हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता अवस्थी। सो बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जो CUET का UG का एंट्रेंस एग्ज़ाम होना है उसकी एग्जैक्ट डेट क्या है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस चीज़ को लेकर के कि मैम इलेक्शंस आने वाले हैं तो उसकी वजह से क्या हमारी डेट पोस्टपोन्ड हो जाएगी या फिर उसमें क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो देखो, इस चीज़ में बिल्कुल भी निश्चिंत रहो आप, आपकी डेट बिल्कुल चेंज नहीं होने वाली है। आपके बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे तो मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो बना के आपकी ये सारी चीज़ें क्लियर कर दूँ। तो आपकी जो डेट है वो चेंज नहीं होने वाली है। आपके पास इनफ 1 मंथ है, अभी आज के दिन से अगर हम देखेंगे तो 1 मंथ आपके पास है। 1 मंथ में आप बहुत कुछ पढ़ सकते हो। अगर ये जानना है कि हम कैसे पढ़ें इतने कम टाइम में, हम बहुत सारी चीज़ों को कैसे पढ़ लें, तो उसके लिए बस लास्ट तक वीडियो में बने रहें, बहुत छोटा सा वीडियो है। सबसे पहले डेट आप देख लीजिए, 15th of May से लेकर के 30th of May तक का आपके एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए जाएंगे। तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि इसमें कोई चेंज होगा तो नहीं, इलेक्शंस होते रहेंगे, हर एक चीज़ होती रहेगी गवर्नमेंट की, लेकिन आपके एग्ज़ाम भी टाइम टू टाइम होते रहेंगे। तो उसके लिए बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि क्या हमारी डेट पोस्टपोन्ड होगी या पहले होगा, कुछ नहीं, आपका टाइम पे टाइम कराया जाएगा एग्ज़ाम। अब आप सोच रहे हो कि मैम कैसे पढ़ाई करनी है, तो उसके लिए यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आप अगर किसी भी प्लेटफॉर्म से आप पढ़ रहे हैं, वहाँ के मॉक टेस्ट को लगाइए। आप कहीं से भी पढ़ रहे हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं वहाँ के मॉक टेस्ट लगाइए, आप प्रैक्टिस करिए। अब आपके पास टॉपिक पढ़ने, या आप अगर सोच रहे हो कि मैं टॉपिक को क्लियर करूँ बैठ करके, तो अभी उतना टाइम नहीं है। आप सिर्फ मॉक टेस्ट लगाइए, क्योंकि मॉक टेस्ट से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ, बस मैं अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करना चाह रही हूँ कि आप जो पढ़ोगे वो मॉक टेस्ट में जो भी पढ़ोगे, जो भी प्रैक्टिस सेट होते हैं ना हमारे, प्रैक्टिस सेट पढ़ लेना, उनसे ही हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ घुमा के क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, बट क्वेश्चंस अप्रॉक्सीमेटली उन्हीं से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें थी जो मुझे बतानी थी, और इन केस और भी कोई कन्फ्यूज़न होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। वैसे इंस्टाग्राम पेज भी है, अगर आपको कोई पर्सनल चीज़ पूछनी है तो आप वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं। ओके, तो ऑल द बेस्ट। आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो वही है, तो उसके लिए बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से अपनी पढ़ाई करिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।